परिवार के चारों सदस्यों का मुक्तिदान में एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। बंटी नगर निवासी पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा ने पहले बच्चे और पत्नी को जहर दिया और फिर बाद में स्वयं खा लिया। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जिन बेटों के जन्म की खुशी मनाते हुए मिश्रा परिवार थकता नहीं था, लोगों के बीच खुशी की मिठाई बांटी थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने अपने सगे बेटे को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज मामला बिरसा जिले के बंटी नगर निवासी पूर्व सांसद संजीव मिश्रा के साथ घटित हुआ है। बता दें कि कल शाम 5 बजे उन्होंने एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त अपने दोनों बेटों को जहरीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद अपनी पत्नी नीला मिश्रा के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। मैं राजेश विश्वकर्मा बंटी नगर वार्ड नंबर 30 का निवासी हूँ। आज उनका जहाँ अंतिम संस्कार किया गया है, कौन है ये और क्या स्थिति? ये हमारे बंटी नगर के निवासी थे संजीव मिश्रा जी, जो कि हमारे मित्र भी थे और ये वार्ड नंबर 32 से पूर्व पार्षद भी रहे हैं। इनको क्या है, सुनने में आ रहा है कि दोनों बच्चे को गंभीर बीमारी थी, तो उसके कारण ये डिप्रेशन में चल रहे थे, लाइलाज बीमारी थी वो, और कल उनने यही कदम उसी में डिप्रेशन में आके कदम उठा लिया। कदम उठाने कैसे? सुसाइड कर लिया है मियां बीवी दोनों ने, और दोनों बच्चों को भी उनने सुसाइड करवा दिया। पॉइजन दिया गया। आज कहाँ पे अंतिम ये अपना बेतवाटर मुक्ति धाम पे इनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें नगर के सब नागरिक गण एवं मोहल्ला वासी सम्मिलित हुए हैं इसमें और उनका अंतिम संस्कार यहाँ मुक्ति धाम पे किया गया। 5 बजे के लगभग फेसबुक पर उन्होंने भावुकता बड़ी पोस्ट करने के बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिए। वहीं किसी तरह से उनके परिजनों को इसके बारे में जानकारी लगी, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजे तोड़कर दोनों मृत हो चुके बेटों के शवों को और गंभीर हालत में मौजूद संजीव मिश्रा एवं उनकी पत्नी नीलम मिश्रा को जिला हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान दंपत्ति ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यहाँ पर पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा, इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जा करके उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे, उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तत्काल 2 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन उपचार के दौरान संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। प्राथमिक दृष्टि से जो जानकारी आई है, उन्होंने फेसबुक में लिखा है, जो उसके मुताबिक उनके बच्चे को बीमारी थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके, एक लाइलाज बीमारी है, उससे दुखी होकर के इन लोगों ने पॉइजन इन्हेल किया है। पुलिस ने इसमें मर कायम कर लिया है और इसकी जांच कर रही है, जो जांच में तथ्य आएंगे उसके मुताबिक हम वैधानिक कार्रवाई। इसमें उन उस परिवार के चारों सदस्य जो थे वहां पर, उनकी मौत हो गई है, चारों सदस्य। आज चारों शवों का एक साथ मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी, राजनीतिक लोग और अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। वार्ड नंबर 30 के पार्षद चंद्रपाल दांगी ने बताया कि काफी मिलनसार स्वभाव के संजय मिश्रा पिछले कुछ समय से अपने बच्चों की बीमारी के चलते काफी परेशान थे। इस बार इस संबंध में बात होती थी, लेकिन बीमारी का इलाज न होने पर वे काफी डिप्रेशन में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह दांगी है, मैं वार्ड नंबर 30 से पार्षद हूँ। संजीव मिश्रा जी हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 से पूर्व पार्षद भी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष भी थे और काफ़ी अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके बच्चों को क्या गंभीर बीमारियों ने घेर रखा था, बड़े बच्चे को, तो वो काफ़ी समय से बड़े बच्चे को लेकर परेशान थे। इसके बाद उनके छोटे बच्चे में वही लक्षण पाए गए, उसको ज़्यादा लेके ज़्यादा गंभीर बीमारी होने के कारण मुझको ऐसा लगता है वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में आकर उनने ऐसा कदम उठाया है। कितने लोगों के? दोनों बच्चे हैं और दोनों में अभी भी चारों लोगों का परिवार था। आज कहाँ पर अंतिम संस्कार? आज विदिशा के शमशान घाट पर आकर बृहस्पति के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। बंटी नगर के मूल निवासी रहने वाले हैं। एक साथ चारों का अंतिम संस्कार किया, दोनों बच्चों और मियां बीवी दोनों का।
देखिए इसमें संजीव मिश्रा जी हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी, उनके दो छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो ये है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं अब नहीं रहना चाहता, और दरवाज़ा बंद करके सल्फास खा लिया और फेसबुक में पोस्ट डाली। जैसे फेसबुक में पोस्ट कुछ लोगों को पता लगी तो जो लोगों ने TI साहब को बताया है, दरवाज़ा तोड़वाया गया, उनको लाकर के हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए, उनका इलाज भी यहाँ पर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चारों में से अब जो है कोई भी जिंदा नहीं। चारों की मौत हो गई सर? चारों की।